हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन रेलवे बाय परवीन में। आज आपको दिखाने वाले हैं प्रतापगढ़ से जौनपुर तक दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय देखिए अपनी गाड़ी प्रतापगढ़ जंक्शन से डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए प्लेटफार्म नंबर 5 से हम लोग डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए इस समय कोच डिस्प्ले लगाया जा रहा है प्रतापगढ़ जंक्शन पर, और पुनः विकसित हो रहा है प्रतापगढ़ जंक्शन। हम आपको पूरा जौनपुर तक दोहरीकरण का काम का वीडियो दिखाने वाले हैं, और रास्ते में भी आपको दिखाएंगे जौनपुर रोड पे दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ है। कुछ लोग कहेंगे नहीं हो रहा, अभी आपको हम दिखाएंगे। रास्ते में पुलिया भी बनाए जा रही है। जो सामने रूट देख रहे हैं ये प्रयाग की तरफ चला जाता है, प्रयागराज की तरफ, और ये रूट सामने बनारस की तरफ चला जाता है। आगे से अपनी गाड़ी जंघई जंक्शन से टर्न लेता है जौनपुर के लिए। देखिए प्रतापगढ़ से जंघई तक दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप लोग ने कमेंट में बताया था भैया एक बार जौनपुर तक दोहरीकरण का वीडियो बनाइए, उसी कमेंट में आपके हम जौनपुर तक वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ने ज़्यादा कमेंट किया था जंघई से प्रयागराज में, भैया एक बार जौनपुर तक दोहरीकरण का काम का वीडियो बनाइए, आपके कमेंट में हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए इस समय दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है प्रतापगढ़ से जंघई के बीच में। हेलो पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन डिपार्चर लेते ही देखिए एक लाइन से 60 केजी के स्लीपर बिछाए जा रहे हैं। देखिए खंभे लगाने का काम और स्लीपर बिछाने का काम काफ़ी जोरों तोरों से हो रहा है इस समय। देखिए अपनी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है फिर से। देखिए गिट्टी डाला जा रहा है और 60 केजी के स्लीपर बिछाते चल रहे हैं इस समय। देखा जाए प्रतापगढ़ से जंघई तक दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप लोग ने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और जंघई से प्रयागराज भी दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए गिट्टी डाला जा रहा है और 60 केजी के स्लीपर बिछाए जा रहे हैं। देखिए खंभे भी एक लाइन से लगाए जा रहे हैं इस समय। देखिए खंभे लगाने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, गिट्टी भी बिछाया जा रहा है इस समय। देखिए JCB की मदद से गिट्टी बिछाया जा रहा है पूरा। अपनी गाड़ी के स्टॉप प्रतापगढ़ जंक्शन के बाद दादूपुर रेलवे स्टेशन पे है। अपनी गाड़ी का ट्रेन नंबर 14202 रायबरेली से चल के जौनपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस है। अपनी गाड़ी के स्टॉप प्रतापगढ़ से माँ बराही देवी, माँ बराही देवी से बादशाहपुर, बादशाहपुर से जंघई, जंघई से बरसेठी, बरसेठी से मड़ियाहूँ, जफराबाद होते हुए जौनपुर तक जाती है अपनी रायबरेली जौनपुर एक्सप्रेस। देखिए खंभे एक लाइन से लगाए जा रहे हैं इस समय काफ़ी तेज़ी से। खंभे लगाने का काम काफ़ी जोरों तोरों से हो रहा है। हम लोग माँ बराही देवी धाम पहुँचने वाले हैं। देखिए माँ बराही देवी धाम हम लोग पहुँच गए। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पे पुल भी बनाया जाएगा। जितने भी प्रतापगढ़ से जंघई के बीच में छोटे बड़े स्टेशन हैं सभी जगह पुल बनाया जाएगा। देखिए इसमें कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ये प्लेटफार्म नंबर 1 है। देखिए 500 मीटर बचा है, यानी यहाँ पे नया बिल्डिंग भी बनके तैयार हो चुका है दादूपुर रेलवे स्टेशन पे। इस समय धूप काफ़ी तेज़ है। देखिए आपको दिखा रहे हैं प्लेटफार्म बनाने का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है दादूपुर रेलवे स्टेशन पे। इसका नाम माँ बराही देवी धाम से हो गया, पहले दादूपुर रेलवे स्टेशन था। देखिए यहाँ से डिपार्चर लेते ही एक लाइन से गिट्टी बिछाए हैं। देखिए खंभे के लिए पोल भी बना दिए हैं एक लाइन से। इस समय देखा जाए काम काफ़ी जोरों तोरों से हो रहा है। आप लोग ने प्रतापगढ़ से जंघई तक वीडियो नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और जंघई से प्रयागराज भी, पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पे दौड़ेगी ट्रेन, फिर उसके बाद जंघई से प्रतापगढ़। और आप लोग ने जंघई जंक्शन नहीं देखा होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए एक लाइन से खंभे के लिए पोल बनाए जा रहे हैं। आप लोग से हम एक बात पूछना चाहते हैं, गौरा रेलवे स्टेशन पे माल गोदाम बनाया जा रहा है, बताइए हम माल गोदाम का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जौनपुर जंक्शन भी पुनः विकसित हो रहा है, जौनपुर जंक्शन भी तोड़ के पूरा नया बनाया जाएगा जौनपुर जंक्शन भी। जौनपुर जंक्शन का हम वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए दूसरी तरफ मिट्टी डालने का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हम लोग गौरा रेलवे स्टेशन कुछ ही क्षणों में पहुँचने ही वाले हैं। देखिए गाड़ी अपनी अच्छी खासी स्पीड में दौड़ रही है इस समय, मैक्सिमम 90 की स्पीड है अपनी गाड़ी का इस समय। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। देखिए ओवर ब्रिज के नीचे यहाँ पे अंडरग्राउंड पास भी बनाया जा रहा है गौरा रेलवे स्टेशन के पहले। देखिए इस समय गौरा रेलवे स्टेशन अच्छी खासी स्पीड में हम लोग स्किप कर रहे हैं।
देखिए साहब, हम थोड़ी स्पीड पकड़ा है गौरा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और माल गोदाम का भी निर्माण किया जाएगा गौरा रेलवे स्टेशन पे। देखिए यहाँ पे माल गोदाम का भी निर्माण किया जाएगा गौरा रेलवे स्टेशन पर। देखिए अच्छी खासी रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। देखिए मिट्टी डालने का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है गौरा रेलवे स्टेशन के बाद, क्योंकि गौरा रेलवे स्टेशन हम इसलिए कह रहे हैं वीडियो बनाने का क्योंकि गौरा रेलवे स्टेशन पे माल गोदाम भी बनाया जाएगा। देखिए हम लोग सीधे आपसे बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात कर रहे हैं। देखिए बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर अभी तो दो प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय में क्या पता यहाँ पर एक दो प्लेटफॉर्म बढ़ाया जाए। यहाँ पे नया बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों इतना भीड़ है, इसके पीछे लखनऊ से चल के वाराणसी जाने वाली इंटरसिटी की भीड़ है। देखिए इस समय बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पे नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है और धूप काफ़ी तेज है। देखिए यहाँ पे पुल का भी निर्माण किया जाएगा और देखिए बिल्डिंग भी बनाया जा रहा है बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर। देखिए इस समय कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर। देखिए हम लोग बादशाहपुर रेलवे स्टेशन डिपार्चर लेते ही एक लाइन से मिट्टी डाला जा रहा है। आपको सीधे हम नीभापुर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात कर रहे हैं। देखिए नीभापुर रेलवे स्टेशन के पहले मिट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भैया आप नीभापुर रेलवे स्टेशन नहीं दिखाते, आपको हम ज़रूर दिखा रहे हैं नीभापुर रेलवे स्टेशन। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग भी बनाया जाएगा अभी नया, आप लोग ने नहीं देखा हो लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। छोटे बड़े रेलवे स्टेशन का सभी वीडियो अपलोड है चैनल पर। देखिए साहब हम थोड़ी स्पीड में अपनी गाड़ी नीभापुर रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं। एक लाइन से खंभे भी लगाए जा रहे हैं और मिट्टी डालने का काम भी प्रारंभ है इस समय। इसके बाद अपनी गाड़ी की स्टॉप बादशाहपुर रेलवे स्टेशन के बाद सीधे जगही जंक्शन है। देखिए जगही जंक्शन पर प्रतापगढ़ आने वाली लाइन पर, देखिए आने वाले समय हमें लगता है 4 और 5 नंबर पर सभी गाड़ियाँ ली जाएंगी जगही जंक्शन पर। जंघई जंक्शन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। जंघई जंक्शन इसलिए जंक्शन पॉइंट बोला जाता है क्योंकि प्रयागराज लाइन और जौनपुर लाइन, बनारस लाइन, प्रतापगढ़ लाइन अलग हो जाता है, इसीलिए जौनपुर एक जंक्शन पॉइंट भी है। सामने जो आप रोड देख रहे हैं प्रयागराज की तरफ दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन, फिर उसके बाद जंघई से प्रतापगढ़। देखा जाए अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा हमको लगता है डबल लाइन जगही से प्रयागराज, अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप लोग ने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए जगही जंक्शन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। आप लोग ने जगही जंक्शन नहीं देखा है, आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। जंघई जंक्शन पहले से पूरा बदल गया है, एकदम नया जंक्शन बन गया है। आप लोग पहली बार यहाँ पे आएंगे कहेंगे ये कौन सा जंक्शन है, जंघई जंक्शन एकदम नया बन के तैयार हो चुका है। आप लोग का काफ़ी कमेंट था भैया एक बार प्रतापगढ़ से जौनपुर तक दोहरीकरण का काम का वीडियो बनाइए, आपके कमेंट पे हम प्रतापगढ़ से जौनपुर तक पूरा वीडियो बना रहे हैं। कमेंट में ये भी बताइएगा हम जौनपुर जंक्शन का वीडियो बनाएँ कि ना बनाएँ, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा क्योंकि जौनपुर जंक्शन भी पुनः विकसित हो रहा है। जो सामने आप लाइन देख रहे हैं जंघई से बनारस तक पूरा डबल लाइन है, देखिए जंघई से बनारस तक पूरा डबल लाइन है। आने वाले समय में जब प्रतापगढ़ से जंघई तक हो जाएगा फिर पूरा बनारस से लखनऊ तक डबल लाइन हो जाएगा। देखिए दोहरीकरण का काम हो रहा है जौनपुर रूट पर भी। अभी आपको दिखाएंगे मड़ियाहों के पहले पुलिया बनाए जा रहे छोटे बड़े, अभी आपको समझ में आएगा हमको लगता है दोहरीकरण का काम प्रारंभ हो चुका है। अभी रास्ते में दिखाएंगे आपको मड़ियाहों रेलवे स्टेशन भी पुनः विकसित हो रहा है, तोड़ के नया बनाया जा रहा है मड़ियाहों रेलवे स्टेशन भी। देखिए इस समय कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए ट्रेन टर्न लिया, कितना अच्छा लग रहा है अपनी ट्रेन देखने में। आप लोग वीडियो में ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द 5K जरूर करिए, इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहे धूप में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आप लोग 5K जरूर करिए। देखिए अपनी गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है इस समय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। जौनपुर जंक्शन और गौरा रेलवे स्टेशन का हम वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए गिट्टी एक लाइन से रखा गया है, आने वाले समय में डबल लाइन इधर ही तरफ रहेगा।
देखिए आने वाले समय में डबल लाइन इस तरफ रहेगा जो आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिग्नल भी नया लगाया जा रहा है, सिग्नल भी यहाँ पे नया लगाया जा रहा है और कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए अपनी गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही, काफ़ी तेज़ धूप है इस समय। देखिए धूप इस समय देखा जाए काफ़ी ही तेज़ है। देखो धूप काफ़ी तेज़ है। हम लोग जरौना रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड में, जरौना रेलवे स्टेशन को। देखो जरौना रेलवे स्टेशन को अच्छी खासी स्पीड में स्किप कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी गाड़ी का स्टॉप सीधे परसेठी रेलवे स्टेशन पे है। देखिए गाड़ी अच्छी खासी स्पीड अपनी इस समय पकड़ी है। देखिए आपको 360 आपको दिखा रही जूम करके। देखिए धूप काफ़ी तेज़ है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, धूप काफ़ी तेज़ इस समय। देखिए अपनी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ी है इस समय। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहें, जल्द से जल्द आप लोग 5K जरूर करिए। देखिए इस समय धूप काफ़ी तेज़ है, सब लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं छाँव में। कटवारा बाज़ार को स्किप करते ही सीधे हम लोग बरसेठी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। देखिए बरसेठी रेलवे स्टेशन में काफ़ी यात्री उतरते और चढ़ते हैं। इस रूट पर चैन पुलिंग काफ़ी ही अधिक होता है, आपको ये भी बता दें इस रूट पर चैन पुलिंग काफ़ी ही अधिक होता है आते समय। देखिए सामने इनारे दिखा रहे, आज भी इनारे से सब लोग पानी निकालते हैं बरसेठी रेलवे स्टेशन पे। देखिए बरसेठी रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना है। देखिए आने वाले समय में जब इस रूट पे दोहरीकरण होगा तब विकास होगा आने वाले समय में। देखिए अपनी गाड़ी बरसेठी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रहे हैं हम लोग। अब अपनी गाड़ी के स्टॉप सीधे मड़ियाहों रेलवे स्टेशन, मड़ियाहों के बाद जफराबाद, जफराबाद के बाद जौनपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप है। आज वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा है, आप लोग वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ पूरा ज़रूर बताइए करें, हम यहाँ से हैं और यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। देखिए गाड़ी अपनी स्पीड अच्छी खासी पकड़ ली, आप लोग नज़ारे को इंजॉय करते रहिए। देखिए अपनी गाड़ी ट्रेन हल्का सा टर्न ले ली है और गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में दौड़ रही है। इस रूट पे कभी कभी डीजल लोकोमोटिव, कभी कभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों चलाए जाते हैं। आपको बता दें कुछ लोग कहेंगे भैया डीजल चलाते हैं, दोनों चलते हैं, आपको ये भी बता दें। इस बार देख रहे हैं हम सभी पेड़ों में आम काफ़ी ही अधिक आया है। देखिए गर्मी काफ़ी ही अधिक इस समय, आपको हम कैसे वीडियो बना रहे मेरी आत्मा से पूछिए। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें, धूप में निकले कम, क्योंकि बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। इस समय धूप काफ़ी अधिक है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। देखिए नदी में पानी कितना कम है बताइए आप लोग, इतना धूप तेज़ है। देखिए आपको आगे दिखा रहे, देखिए मड़ियाहों रेलवे स्टेशन के पहले देखिए छोटे बड़े पुलिया बनाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुलिया बनाने का काम प्रारंभ है, हम लोग मड़ियाहों रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। देखिए मड़ियाहों रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म है, एक लूप लाइन है। देखिए ये मड़ियाहों रेलवे स्टेशन पुनः विकसित हो रहा है। आप लोग मड़ियाहों रेलवे स्टेशन नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, मड़ियाहों रेलवे स्टेशन और जफराबाद रेलवे स्टेशन ज़रूर देखिएगा। हम दोनों रेलवे स्टेशन का वीडियो बना है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय काफ़ी यात्री गोदान एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। गोदान एक्सप्रेस छपरा से चल के LTT जाने वाली गोदान एक्सप्रेस का, देखिए यहाँ पे नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है। मड़ियाहों रेलवे स्टेशन पे पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। देखिए सामने बिल्डिंग बनाया जा रहा है, एक लाइन से बाउंड्री टाइप में किया जा रहा है। देखिए हम लोग मड़ियाहों रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं लूप लाइन है। देखिए यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय में एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन सकता है। देखिए अपनी गाड़ी धीरे धीरे फिर से स्पीड पकड़ रही है। ये सब जो सामने सिग्नल देख रहे हैं ये सब नए सिग्नल लगाए गए हैं।
देखिए अपनी गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग के हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग जल्द से जल्द 5K जरूर करिए। मरियाहों रेलवे स्टेशन के बाद अपनी गाड़ी का स्टॉप सीधे जफराबाद रेलवे स्टेशन पे है। जफराबाद इसलिए एक जंक्शन पॉइंट कहा जाता है क्योंकि बनारस की लाइन, जौनपुर की लाइन, सुल्तानपुर लाइन और जगही लाइन अलग हो जाता है, इसीलिए जफराबाद भी जंक्शन पॉइंट है। आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। देखिए अपनी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है। देखिए छोटे बड़े रेलवे स्टेशन को अच्छे खासी स्पीड स्किप कर रहे हैं, स्पीड में देख रहे हैं आप लोग। आप लोग नज़ारे को एंजॉय करते रहिए। इस समय देखा जाए धूप काफ़ी अधिक है। देखिए हम लोग साई नदी पुल पे पहुंच गए हैं। देखिए साई नदी है जो ये आप देख रहे हैं। देखिए नदी में पानी नहीं है इस समय, देख रहे हैं आप लोग, गर्मी इतना अधिक है और नदी में पानी भी नहीं है। देखिए देखिए नदी में पानी भी नहीं है और नदी कितना गंदा है। हमको लगता है इस पार से उस पार जाने के लिए आज भी नाव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप लोग जौनपुर से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए ट्रेन टर्न लेते हुए अच्छी खासी स्पीड में अपनी छोटे स्टेशन को स्किप कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग सीधे आपको जफराबाद रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करेंगे कुछ क्षणों में। आपसे वीडियो बनाने में बहुत ही कठिनाई होता है, आप लोग के लिए हम वीडियो कोशिश करते हैं कितना अच्छा से अच्छा बना पाएँ। कुछ लोग कहते हैं भैया फ़ोन बहुत हिलता जुलता रहता है, इतनी स्पीड में गाड़ी है, फ़ोन हिलेगा डुलेगा नहीं तब क्या होगा, आप ही लोग बताइए। नेशनल हाईवे कहाँ गया है, प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको हम जफराबाद आउटर पर मुलाकात करते हैं। जो आउटर देख रहे हैं, ये जो सामने लाइन देख रहे हैं, ये बनारस लाइन है। बनारस और सुल्तानपुर लाइन पूरा डबल लाइन है और जौनपुर की तरफ अभी सिग्नल लाइन है। देखिए पूरा डबल लाइन है बनारस लाइन, ये जफराबाद रेलवे स्टेशन है। आप लोग ने जफराबाद रेलवे स्टेशन नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखेगा। जफराबाद रेलवे स्टेशन भी पुनः विकसित हो रहा है। आपको मरियाहों जफराबाद रेलवे स्टेशन एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए जफराबाद रेलवे स्टेशन का कोड ZBD है। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है जफराबाद रेलवे स्टेशन पे। इसमें देखिए धूप काफ़ी अधिक है, यहाँ पे कुछ लोग चलती गाड़ी में उतरते हैं, ऐसा ही हादसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जफराबाद रेलवे स्टेशन से अब यहाँ से हम लोग डिपार्चर लेते हैं, आपको आगे मिलते हैं। जो सामने लाइन देख रहे हैं ये सुल्तानपुर लाइन है। देखिए बनारस लाइन और सुल्तानपुर लाइन पूरा डबल लाइन है। हम आगे की तरफ आ गए हैं। ये जो सामने लाइन देख रहे हैं ये जौनपुर लाइन है, अभी सिंगल लाइन है जौनपुर लाइन। देखिए डबल लाइन पूरा सुल्तानपुर और बनारस लाइन है और ये जौनपुर लाइन है, जूम करके आपको दिखा रहे हैं। सामने ये जो आप लाइन सोच रहे होंगे ये लाइन कहाँ मिला, ये आगे से वही सुल्तानपुर लाइन पर मिला दिए हैं। देखिए ये नया लाइन का निर्माण किया गया, आगे से सुल्तानपुर लाइन में ये लाइन मिला दिए हैं। देखिए अच्छी खासी स्पीड में हम लोग निकल रहे हैं इस समय। ये लाइन अभी नया ही निर्माण किया गया है जो आप देख रहे हैं। आगे गोमती नदी पड़ने वाला है, अभी आपको दिखाते हैं गोमती नदी भी। कुछ ही देर में अब हम लोग जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। जौनपुर रेलवे स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं। जौनपुर एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि सागंज की लाइन और बनारस लाइन अलग हो जाते हैं, क्योंकि सब लाइन जो भी है बनारस लाइन होता है ये जफराबाद से ही अलग होता है, क्योंकि छपरा की तरफ जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं वो जौनपुर होकर ही जाते हैं छपरा की तरफ। देखिए हम लोग गोमती नदी को स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड में, आने वाले समय में ये भी डबल लाइन हो जाएगा क्योंकि जौनपुर जंक्शन भी पुनः विकसित हो रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा हम जौनपुर जंक्शन का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इतना मेहनत से वीडियो आप लोग के लिए बना रहे, आपसे एक विनती है जल्द से जल्द आप लोग 5K जरूर करिए। देखिए हम लोग सीधे जौनपुर जंक्शन पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है जौनपुर जंक्शन पर। जौनपुर जंक्शन एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों का स्टॉप है जौनपुर जंक्शन पर।
वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जौनपुर जंक्शन का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।